नमस्कार, मैं हूं श्वेता झा और आप देख रहे हैं आज सुबह। एक कुख्यात गैंगस्टर के एनकाउंटर की सीबीआई जांच को लेकर राजस्थान में हंगामा हो गया। आपको बता दें कि 50,000 लोग यहां पर सड़कों पर उतर आए हैं और इस हंगामे में एक शख्स की मौत हो गई है और साथ ही 20 पुलिस वाले जो हैं वो भी अस्पताल पहुंच गए हैं। एक मोस्ट वांटेड गैंगस्टर के एनकाउंटर पर राजस्थान में मच गया है बवाल। राजस्थान के नागौर में लोगों के गुस्से की आग देर रात तक इसी तरह सुलगती रही। इस आग की शुरुआत हुई बुधवार दोपहर बाद से। नागौर के सावरान इलाके में मोस्ट वांटेड गैंगस्टर आनंद पाल को श्रद्धांजलि देने के लिए राजपूत समाज के करीब 50,000 लोग जुटे। हम सरकार को 2 घंटे का समय देते हैं, लेकिन उन्होंने कहा है 2 घंटे में वो निर्णय लेगी कि आंदोलन कैसे और किस तरह आगे बढ़ाया जाएगा। सरकार से हम सीबीआई जांच की मांग कर रहे हैं। वो मांग अगर 2 घंटे से सरकार के यहाँ पे नुमाइंदे वार्ता करने के लिए यहाँ पे नहीं पहुँचते हैं तो काफी से यहाँ पे आपके निर्णय लेंगे। जब सरकार की ओर से कोई फैसला नहीं हुआ, कोई नुमाइंदा भी इनके बीच नहीं पहुंचा तो भीड़ बेकाबू होने लगी। हालात काबू में करने के लिए आईजी मालिनी अग्रवाल और एसपी परिश देशमुख ने भी मोर्चा संभाला, लेकिन हालात काबू से बाहर होते गए और शुरू हो गई पुलिस के साथ हिंसक झड़प और आगजनी। इतना ही नहीं, बेकाबू भीड़ ने एक महिला आईपीएस से भी बदसलूकी की, उनकी गाड़ी को आग के हवाले कर दिया। पुलिस थाने से लेकर रेलवे स्टेशन और बसों में आगजनी और जमकर उपद्रव हुआ। पुलिस के मुताबिक इस बवाल और भीड़ के हमले में करीब 20 जवान जख्मी हुए हैं। भीड़ के इस कोहराम के बीच हालांकि कुछ स्थानीय लोगों की मदद से ही घायल पुलिस वाले अस्पताल तक पहुंचाए गए। और गैस फायर किया, 20 भीड़ उगड़ो भी, और उनके पास तो बसें और ट्रक थी, वो तो अपने बसें और ट्रकों के अंदर भाग गए। आरपीओ के पास ना तो कोई गाड़ियां थी ना कोई बात, और ट्रेन का टाइम नहीं था, तो हमारे को धमकी से आगे सामने वाले घरों के अंदर भी घुसे, उनके सामने हाथ भी जोड़े। मैंने कहा भैया हमारा कोई दोस्त नहीं, हम तो आपको सावरा गांव भी नहीं देखा, हमारे क्यों मार रहे हो? क्या तुमको खाली वर्दी वाले तुम ही और हमारे को? फिर उसके बाद वो जाने और पुलिस ने भारी हंगामे को तो काबू में कर लिया, लेकिन अब आरोपियों की शिनाख्त में उसे मुश्किल हो रही है, क्योंकि जिस इलाके में सारा हंगामा हुआ वहां न तो सीसीटीवी है न रात में बिजली थी। अभी 2 टीम रवाना की है, 2 टीमें अभी इसमें काम कर रही है, कुछ सूचना स्रोत एकत्रित करने के लिए भी कस्टम में टीम लगाई है। सूत्रों की माने तो नागौर में मचे कोहराम के बाद देर रात मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने भी वरिष्ठ मंत्रियों के साथ इमरजेंसी मीटिंग की। केंद्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने भी नागौर में मचे बवाल और हिंसा को गंभीरता से लिया है। मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे और राज्य के बीजेपी अध्यक्ष से बात कर राजनाथ सिंह ने प्रदर्शनकारियों के साथ सख्ती से निपटने के निर्देश दिए हैं। नागौर से मोहम्मद हनीफ और देव उंकर वधावन के साथ शरद कुमार, जयपुर आज तक।